चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्यवाही करनी शुरू कर दी गई है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है, जिसके बाद से ही दादरी प्रशासन के द्वारा दुकानदारों और चरखी दादरी वासियों से अपील की जा रही थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दे, परंतु बार बार की गई अपील के बावजूद भी दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसको लेकर चरखी दादरी CTM नरेंद्र कुमार के द्वारा छापामारी कर दुकानदारों पर कार्यवाही की गई। छापेमारी के दौरान CTM नरेंद्र कुमार को कुछ दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन मिले, जिसके बाद पॉलिथीन को कब्जे में लिए हुए दुकानदारों पर नियमानुसार चलान की कार्यवाही की गई। CTM नरेंद्र कुमार का कहना था कि बार बार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील के बावजूद भी दुकानदार पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से अब सख्त कार्यवाही की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि पॉलिथीन की मात्रा के अनुसार दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से जहां दुकानदार पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद करेंगे, तो वहीं जनता के बीच में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को न इस्तेमाल करने के लिए मैसेज जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि हरियाणा सरकार ने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पर 1 जुलाई 2022 से टोटली बैन लगाया है। तो आज हमने जिला चरखी दादरी में विभिन्न ठिकानों पर आज तरीके से छापेमारी की है, जिसमें हमें मुख्यतः पुरानी सब्जी मंडी, अम्बेडकर चौक, रोहतक चौक और बस स्टैंड, रोहतक चौक से बस स्टैंड वाला रोड, इस पे हमने काफ़ी दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें हमें काफ़ी कुछ पॉलिथीन के बैग जो उनकी दुकानों से जब्त किए गए हैं, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। टोटल हमने पिछले 2 घंटे में 4 लोगों के चलान किए हैं और लोग कॉमन आदमी में एक अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश की है कि जैसे कि सरकार के प्रयास हैं कि पॉलिथीन का यूज़ बिल्कुल ना किया जाए, तो मेरी आमजन से भी यही अपेक्षाएँ हैं और उन सबसे मेरी अपील है कि पॉलिथीन को बिल्कुल ना कहें, और जो भी दुकानदार इन आदेशों की पालना नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान कटना जारी रहेगा। लगभग चालान जो काटे जा रहे हैं सर, किस प्रक्रिया के तहत काटे जा रहे हैं, लगभग कितना चालान का जो पैसा उनसे वसूला जा रहा है? जो चालान की जो कीमत है वो क्वांटिटी बेस्ड है, जैसे मिनिमम चालान है, अगर किसी का 500 ग्राम से कम मिलता है पॉलीथीन मटेरियल तो उसको 500 रुपये, और 500 से लेकर 1000 ग्राम तक का मटेरियल मिलता है तो उसका 1500 रुपये, 1 किलो से 2.5 किलो के बीच में मिलता है तो उसके अलग अलग रेट्स है, मैक्सिमम 25,000 रुपये तक इसमें चालान का प्रावधान है। अभी तक जो 4 लोगों का आपने चालान किया है तो कितने कितने ग्राम जो है उनके पास मिले हैं सर? ये किसी के पास 500 ग्राम से मिला है, किसी के पास 1 किलो के आसपास भी मिला है, तो अलग अलग क्वांटिटी में मिले हैं, तो उनका नियमानुसार उनका चालान की राशि उनसे ले ली गई है। तो अभी भी अभियान आगे भी जारी है सर? जी जी बिल्कुल, हमारा अभियान भी जारी रहेगा चालान करने का, तथा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की भी जो हमारा जिला प्रशासन का प्रयास है वो जारी रहेंगे। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार भी हम आम लोगों के अपील कर रहे हैं, आमजन को, कि प्लास्टिक को, पॉलीथीन बैग्स को बिल्कुल ना यूज़ करें, इनके लिए कपड़े के थैले या पेपर बैग्स का यूज़ किया जाए। इनके लिए जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जिला प्रशासन भी कर रहा है, और आमजन से भी उम्मीद है कि सब लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप या किसी और भी माध्यम से पेपर बैग या कपड़े के बने हुए बैग्स का इस्तेमाल करें।